नमस्ते दोस्तों, फिर एक बार मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आप देख रहे होगी कितनी सुबह सुब आज मैं जगा हूँ, पहली बार देखा होगा ब्लॉग में इतना, तो रीज़न भी वही ठोस है। तो एक पहले तो आपको बता दूँ, सुबह के बज चुके 5 और आपको सबको गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे कलमा देवी करके एक वाटरफॉल है वो विज़िट करने के लिए। यहाँ से वाटरफॉल है 129 किलोमीटर, टोटल 130 किलोमीटर होता है हमारे मुंबई से चेंबूर से। तो मज़ा आने वाला है ब्लॉग आगे तक। तो मैंने कल ही गाड़ी धो के रखा था क्योंकि इतना लंबा टूर जाना, तो भाई गाड़ी तो वॉश होनी चाहिए। तो पहली बार इतना मेरे मतलब अभी तक का सबसे लंबा टूर होने वाला है ये। तो चलिए देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, मिलते हैं हाईवे पे। आ गया, पूरे एकदम छावा बन के आया है। हाँ सावंत, मी बॉलिंग टाकतो तो तिकडे बघतोय, मी बघितलं नाही रे तुला। ठीक आहे, वॉटरफॉल 74 किलोमीटर बचा है। मतलब किती कल कवर केलं आपण, 130 मधून 74 केले, 70 किलोमीटर आपण नाही का, मतलब हाफ डिस्टन्स कवर कर लिया। किती वाजता निघलेलो आपण? सकाळी निघलेलो 5:30, 5:30 बजे निघलो ते बरोबर। किती घंटे झाले? 1 घंटा पूरा हो गया। और पण ट्राफिक वगैरे नव्हतं अभी। हाँ से पूरा बचा, एक बार बाइक दिखा देता हूँ। फुल करा लिया था मैंने वही पेट्रोल पंप से। ठीक है, निकलते अभी, थोड़ा ब्रेक लेंगे, खाएंगे कुछ, तो चाय वगैरह पियेंगे क्योंकि गाड़ी को भी आराम देंगे। हीट तो हुआ है इंजन, ऑब्वियसली हुआ है, रॉयल है तो भाई मैंने स्टोरी डाका था वो देखा ना आपने, उस हिसाब से अभी यहाँ से टोटल 70 किलोमीटर बचा था। एक घंटा से 76 किलोमीटर, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। मेरी बाइक देखो यार, हवा भी हुआ, पूरा चेक करके लाए थे एकदम पूरा। सावन मी रात्री गाड़ी म्हणजे 11 वाजता धुतली गाड़ी मी। तुझा फोन आला, इसको भाई इसके लिए थैंक यू कि भाई मतलब बात बात का पक्का है ऐसे। मतलब आग देखो, गाड़ी निकलते मिलते वहाँ पे, सीधा नाश्ता करते। आपको बाकी के बताता हूँ क्या क्या रूट कैसा। वाड़ा यहाँ से 23 किलोमीटर बचा। वाड़ा मतलब वही जो अपन गोवर्धन विलेज गए थे वो वाला वाड़ा। यहाँ पे चाय पीते है, योगा चाय में चाय पीते और निकलते। धूल से इतना पूरा ये हो गया ना काला, वैसे पैसे भी पहले से काला होंगे लेकिन धूल से ज़्यादा हो गए लोग। फाइनली और ये वड़ा पाव खा रहे, गाड़ी यहाँ पे पार्क किया। और ये रसिक पाव कैसे, चांगला लगता है टेस्ट? गाड़ी यहाँ पे पार्क किया है, हीट तो हुआ है गाड़ी। तो अभी थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, ज़्यादा ब्रेक नहीं, और फिर डायरेक्ट पार्सल घून जाओ तिथे गाय तरी तिथेच खाओ। ठीक है, मैं पीछे बैठा हूँ ड्राइवर से।
बचा है 33 किलोमीटर, मतलब जवाहर जो बचा है ना पूरा 33 किलोमीटर बचा है, पूरा 129 मतलब 130 किलोमीटर था यहाँ से बचा, अभी 33 किलोमीटर बचा है। और रोड इतना प्यारा है ना भाई, यहाँ की पालघर की जो भी गवर्नमेंट है ना भाई धन्यवाद, इतना रोड बेटर दिया, बस गाड़ी गर्म हो रही है, रोड खत्म नहीं हो रहा, इतना प्यारा रोड है आप देख सकते हैं। और व्यू भी यहाँ पे सामने देख सकते हैं, दिखा दीजिए उसको सामने, यह सही व्यू दिखाया, देखो यहाँ पे डर लग रहा है थोड़ा क्योंकि अनजान एरिया है, बारिश में यहाँ पे कहा लगता होगा, यहाँ पे कभी आऊँगा मैं राइड के लिए बारिश में, ठीक है तो चल चल चलिए चलते आगे के लोकेशन की तरफ। यहाँ पे फाइनली हम लोग आ चुके हैं, ऊपर देखो कालबा देवी, मैप पे बहुत गलत दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको बाइक चार्जेस का 20 रुपीज पार्किंग का है, और यहाँ पे एंट्री फीस मतलब 20 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंट्री कर रहे हैं ऐसा, एंट्री करके निकलते हैं अंदर की तरफ, ठीक है चलो। जय श्री राम, जय श्री राम। व्यू दिख रहा है सर, साउंड हेलमेट पकड़ना भाई, व्यू देखो यार कितना स्टीफ है ये, रील देख के भाई फंसो मत, यहाँ पे ट्रैकिंग भी करना है 15 मिनट का, देखो कैसे उतरे भाई भाई गांड फटी हुई सावन की चप्पल, सावन से नाइकी की चप्पल, भाई जल्दी बस सोख सकट, बहुत सही है यार, थोड़ा सॉक्स भी दूर नहीं गए लाग मेरे, बाप रे सावंत बग, हेलो हेलो हाय करा भाई, हाय हाय सावंत इकडून इकडून आपण दुसरीकडे चाललोय का, नाही नाही इकडूनच रस्ते, ओ काय 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 झालं काय 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 बबू चल चल बबू, हा या खाईल का रे हा तो वडा, हे तुमच्याकडे काय खाण्यासारखं आहे का, बिस्किट वगैरे नाही ना, आम्ही झोपाशी आलो, अरे आम्ही झोपाशी आलो, पण तुटले भेंच होत तिच्या दिदी तरी आहे ना, अरे वा गाइड है, गाइड लेके जा रहे वाहन चाल तो थाम भाड़ा थाम भाई, इधर बाथरूम ही नहीं किधर, अभी इधर बाटली से लेके जाना पड़ेगा पानी, बाटली से अभी हकने जाना पड़ेगा, ये देखो बाटली थी, बोला बाटली लेके जा, मैंने बोला अंकल इधर नहीं क्या दूसरा, तो बोलते वॉशरूम वगैरह नहीं है, देखो ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो ये होता है कुछ रियलिटी, इतना बड़ा पॉइंट है, लेकिन ये बाटली में पानी भरना है, अभी देखो इधर से भी दिखाता हूँ आ रहा है, तो भाई सबसे घूमना छोड़ दो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या मालूम है, वॉशरूम करके आओ भाई, वॉशरूम का कुछ नहीं, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा जैसे मैं गया था अभी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है मेरे को बोला कि भाई ये लोग हेल्प करेंगे टेंशन मत लो, ये बोले बाल्टी ले लो, आता हम लोग जैसे कि मराठी चाल का हिंदी थे, जैसे ये देखो अभी मेरे को बाथरूम लगा था, और यहाँ मेरे को लगा कोई तो होगा, मतलब कुछ तो होगा इधर टॉयलेट भी, बता दीजिए क्या कैसे गया था, अरे देखो मैं कैसे गया था, इन्होंने बोला क्या बोलता था बॉटल बॉटल लेके जाओ, बॉटल में पानी भरा उधर, समझ आई टॉयलेट करके आया, तो क्या करना जो आ रहे उनको बता दीजिए क्या करना है, तो अभी यहाँ से वो पूछ रहा था हमको क्या भाई हमको टॉयलेट लगा है तो कहाँ जाने का है, हम लोग बोला क्या जाओ वो पहाड़ी है ना उसके नीचे जाओ,
नीचे जाओ। वो बाकी का छोकरा बोला कि नहीं उतना लंबा मत जाओ, इधर ही बॉटल में पानी भरा और इधर हम लोग बोला कि इधर जाके कहीं बैठो घास में। चलो चलो मैं अभी इसके अंदर जा रहा हूँ, मेरे को तैरने आता है भाई, सब आपको बता दूं तो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे पत्थर है, पीछे कहीं नहीं पत्थर है, पत्थर है, खाली साफ पीप कुछ नहीं है, जाओ। अरे वीडियो चालू रे, इज्जत ना का। यहाँ पे केकड़ा वगैरह, केकड़ा वगैरह अभी नहीं मिलेगा, बारिश में मिलेगा। तो भाई आप जवार आ सकते हैं, जवार आने के लिए आपको वाड़ा ए सांगरे का साला जरा सांग एड्रेस नको या नको भाई बहुत धूप है आता तर ऊन पडल चालू। मी असं ऐकलं काका मी गोवर्धनला गेलो होतो, तुम्ही ऐकले की तर जे भात वाळायला टाकतात ते पण जळतात एवढं ऊन आहे। नाही असेल ना, मागा आता विक्रमगडची एक बातमी आहे, 14 वर्षाची मुलगी ह्या उष्णतेमुळे वारली ती। उष्णता म्हणजे गर्मी गर्मी इधर उसको आता है रे तेरने पत्थर है उधर आगे नका येऊ रील बघून, रियल आहे 100 रुपये पाणी आहे पाणी घेतो चालला नाही तर 1 2 3 पर एक है, लेकिन वहां से आपको अगर जंप करना है तो लाइफ जैकेट लगेगा और ये स्मॉल वाला है, इसमें मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। और वहां तो नीचे से हम लोग तो जाके आए बराबर ना, खालून तर जाऊन आलो आप, आपल्याला फक्त इथे जायचं, पकड मारा कॅमेरा जरा मी जातो। आपला तोच फोटो बरोबर होता, मी खाली गेलेला ना जर माझा खेचायला लागलेला भाई। दादा इथून खाली राहू शकतो, इथून खाली जाईल, खाली उतरल्यानंतर नाही ना मला वाटलं नाही का खाली असेल काहीतरी, हे हेवी पाणी सी वॉटर वाट कशाला पाहते आता, बाकी ऍडव्हान्टेज आहे जिसकर नाही आता वो लाइफ जैकेट लेके भी यहाँ पे आ सकता है। मेरे को लगा देखो पानी यहाँ से अंदर जा रहा है मेरे को लगा, लेकिन पानी ऊपर से जा रहा है, मेरे को लगा अंदर से पानी जा रहा है, लेकिन देखो ऐसा करने के लिए बहुत मजा आ रहा है। खींच वाला खींच देखने का है ऊपर आने के लिए, ए ये ना टोन खाली जात मरू डीप आयवाल पोहता येते ना फक्त ओढून काढायला, तिकडे नको जाऊ ये इकडे जाऊ दे पाणी किती खोल खाली जाणार बिगिन आणल्या मी नाही जात भाई अरे ते तर कुठे कंबर लागते
इथे कंबर लागते पण इथे खोल आहे. हम लोग के साथ जो आधे लोग आते हैं उन लोगों को स्विमिंग है ना, कोना कोना लेते स्विमिंग क्या देते ना फक्त. ये मामा ये लवड्या तो आईला मला उत्तर द्यावं लागेल बडव्या. हा मी पण त्याला तेच बोलते. ए जाते असं जाणं तसं जाणं ए सेवा आहे. हे बघ इथे बघ होय इथे बघ. हमने लगा फोटो काढला इथे ना इथे सरकत नाही. हे मामा साइड हो अरे तुम्ही सगळ्यांनी इथे बघा. अंबाई थांब इज्जत आहे थांब थांब एवढ्या लवकर कर. भारी वाटतं मला खाली नाही बस. अरे लवडे पेन्ना अरे हे थंबनेल भारी आहे. थांब दोन मिनिट थांब जाऊ नको. वन टू थ्री अरे वन टू थ्री स्टार्ट. हे बागे स्विम करत असते हे डिस्टन्स असेल. लांब राम 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 लांब राहत रोहित लोणावर लांब आहे. तू विषय खूप लांब आहे एक लांब आहे चल. तो हम लोग कॉम्पिटिशन कंडक्ट कर रहे हैं जिसका भी लास्ट तक डुबकी मारेगा जिसका लास्ट तक ब्रीथिंग बना रहता है उसको छोटा लाइट एडवांस का बॉक्स कौन देने वाला है. वो इधर इधर ये देने वाला है. तो रेडी रुको रुको बोल भाई तू वन बोल वन टू थ्री बोल वन टू थ्री बोल वन टू टू थ्री एक दो लास्ट कौन कौन विनर ये अरे लास्ट विनर कौन है ये इसका लंग्स बड़ा है ये रुको वो नहीं आया अभी तक. अरे अगर चो दे वो कौन है. सब्सक्राइब टू योर डंडे बाय जय बाय वाज बेड एक्टर. चला भाई तो धूप है यहाँ पे. देखो मैं आपको प्रिकॉशन बता रहा हूँ यहाँ पे नशा पानी मत करके आना. बाकी धूप बहुत है यहाँ पे. अभी निकलना है सुबह सुबह के बज चुके हैं 12 बज चुके हैं क्लियर. और भीड़ तभी भी देखो कितना सारा भीड़ है. ब्लॉग को करते हैं यही एंड. अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे ब्लॉग में. धूप बहुत है चलो निकलते. आधा रास्ता भी कवर नहीं हुआ और वाड़ा में क्या हो रहा है जिसका डर था वही गाड़ी चलाना भी इतना विजिबल नहीं हो रहा क्या समझ नहीं आ रहा. 8 टक्के चाड़ी खाली क्या करें. ब्लॉग एंड करते हैं भाई यार बहुत बहुत बारिश हो रही है यार बारिश होना जितना जल्दी हो सके.